हेलो किड्स, टुडे वी लर्न हाउ टू राइट इन फोर लाइंस कॉपी एंड इंट्रोड्यूस्ड फोर लाइंस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फोर लाइंस की कॉपी में कैसे लिखें और स्टेप बाय स्टेप हम फोर लाइंस की कॉपी को इंट्रोड्यूस्ड होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखकर अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। English basic writing. First we introduced four lines. First is capital line, second is waist line, third is base line, fourth is tail line. अब हम इन lines के names को देखेंगे। तो first red line is capital line, second black line is waist line, third is base line, and last fourth is tail line. How to write in four lines? Four lines ki copy mein kaise likhe? So 26 alphabets divided into 3 types. First is sky birds, second is grass birds, third is root birds. तो हमने birds को 3 types में बांटा है। How to explain these words? अब हम इन birds को कैसे explain करें? तो अल्फाबेट्स बी डी एफ एच के एल टी आर कॉल्ड स्काई वर्ड्स एंड ए सी ई आई एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड आर कॉल्ड ग्रास वर्ड्स एंड जी जे पी क्यू वाई आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। अब हम समझेंगे स्काई वर्ड्स। तो स्काई वर्ड्स में कौन से वर्ड्स आते हैं हम देखेंगे। तो फोर लाइंस में ऐसे वर्ड्स जो कि कैपिटल लाइन ऊपर रेड लाइन जो है कैपिटल लाइन को टच करते हैं वो वर्ड्स स्काई वर्ड्स होते हैं। बी डी एफ एच के एल एंड टी आर कॉल्ड स्काई वर्ड्स। नेक्स्ट इज ग्रास वर्ड्स। अब हम ग्रास वर्ड्स समझेंगे क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स फोर लाइंस में जो कि बेस और वेस्ट लाइन को टच करें वो ग्रास वर्ड्स होते हैं। अब हम देखेंगे ए सी ई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड आर कॉल्ड ग्रास वर्ड्स। अब हम देखेंगे रूट वर्ड्स। फोर लाइंस में रूट्स वर्ड्स क्या होते हैं इनको हम जानेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो कि फोर लाइंस में सबसे नीचे जो टेल लाइंस होती है टेल लाइंस को जो टच करें वो वर्ड्स रूट्स वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे जी जे पी क्यू वाई। राइट ए टू जेड कैपिटल लेटर्स। अब हम कैपिटल लेटर्स को फोर लाइंस में कैसे लिखें ये देखेंगे। तो कैपिटल लेटर्स सिर्फ 3 लाइंस को टच करते हैं, कैपिटल लाइन, बेस लाइन एंड बेस्ड लाइन। तो बच्चों हम देखें ए बी सी आई जे के एल एम एन ओ
डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चों हमने देखा सारे कैपिटल लेटर सिर्फ 3 लाइन को टच करते हैं। अब हम देखेंगे स्मॉल लेटर्स, ए टू जेड स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स में हम देखेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कैपिटल लाइंस को टच करते हैं, और कुछ लेटर्स बेस और बेस्ट लाइन को टच करते हैं, और कुछ लेटर टेल लाइन को टच करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब हम ए टू जेड लेटर्स को डिफरेंट तरीके से लिखना सीखेंगे। नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रेट लाइंस। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइंस में होते हैं। बी सर्किल और कर्व्स लेटर्स, कुछ लेटर्स जो सर्किल और कर्व्स होते हैं। थर्ड इज स्लैंटेड लाइंस लेटर्स, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि स्लैंटेड होते हैं। कुछ लेटर टाल होते हैं, और कुछ लेटर टेल्स होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन लेटर्स को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइंस लेटर्स। तो ऐसे लेटर जो कि स्ट्रेट होते हैं, वो लेटर्स के एग्जांपल हम देखेंगे। ऐसे लेटर्स हैं एल आई एंड टी, जो कि स्ट्रेट होते हैं। अब सर्किल और कर्व्स लेटर्स, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो सर्किल में होते हैं, कुछ कर्व्स में होते हैं। तो अब हम इनके एग्जांपल देखेंगे, ऐसे वो कौन से लेटर हैं जो सर्किल और कर्व्स में होते हैं। ओ जो कि सर्किल लेटर है, ए कर्व्स लेटर है, डी सर्किल लेटर है, सी कर्व लेटर है, ई भी कर्व लेटर होगा, एफ कर्व लेटर, टी भी कर्व लेटर है, आर कर्व लेटर है, एन में भी कर्व है, एम भी कर्व लेटर है, एस में भी कर्व है, और यू भी कर्व्स लेटर ही कहलाएगा। नाउ स्लैंटेड लाइंस लेटर्स। अब हम देखेंगे कौन से लेटर हैं जो स्लैंटेड होते हैं। तो कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो स्लैंटेड होते हैं, तो लेफ्ट स्लैंटेड और राइट स्लैंटेड लाइन से हम उन लेटर्स को समझ सकते हैं। वी वाई डब्ल्यू के एक्स एंड जेड, जो कि स्लैंटेड लेटर्स हैं। अब टॉल लेटर्स, ऐसे कुछ लेटर्स जो कि टॉल होते हैं वो हम देखेंगे, ऐसे वो लेटर्स कौन से हैं। तो बी एच जो कि टॉल लेटर्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे टेल लेटर्स, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो टेल लाइंस को टच करते हैं, वो टेल लेटर्स कहलाएंगे। अब हम देखेंगे वो कौन से लेटर्स हैं जो टेल लेटर्स हैं। फर्स्ट जी जे क्यू, जो कि टेल लेटर्स हैं।